हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आओ रिएक्ट करें। तो आज जो भी मैंने गाने लिए हैं सारे गाने वही हैं जो नए आए हैं, और ये गाना अब नया आया है, करण औजला जी का सॉन्ग है, फॉलिंग अपार्ट सॉन्ग का नाम है, और ये जो ईपी नया आया था करण औजला जी का फॉर यू, उसी का एक सॉन्ग है। तो देखते हैं कैसा सॉन्ग है, फिर देते हैं रिएक्शन। उससे पहले पता ही को क्या करना है फ्रेंड्स, चैनल पे आते हैं आप सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल पे जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस करना है। तो देखते हैं कैसा सॉन्ग है करण औजला जी का। पहले के जो दो गाने मैंने किए काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी डिफरेंट थे, ये सॉन्ग में क्या है वो देखना पड़ेगा। देखते हैं फॉलिंग अपार्ट बाय करण औजला जी। भावी बैठिया गवा भी बैठी, तू ता तुर गया मैं ता भी बैठी हाँ, आखिर तेरे विके दे नाले टैटू गुट ते बना भी बैठी हाँ, रातां दा की ऐल जोंदी रहनी वे दीवे बाल के बजोंदी रहनी, तेरी मंग दे वे काले रंग दे वे पौने ता की मैं सवाउंदी रहनी हाँ, सारे सूटां च है तेरी खुशबू महकनी गई जड़ा भी बैठियां, आ भी बैठियां गवा भी बैठियां, तू ता तुर गया मैं ता भी बैठियां, तूते कर ले मैं सारे कर ले रुस भी लई मना भी बैठियां, मेरे वगरा जलील ना होवे जख्म दे गया वे हील ना होवे, तेरे लिए कोटियां जे बुन दियां पा वे सुई चुभ जे ते फील ना होवे, हवा दे वरगा चना दे वरगा तू वगदा रहे मैं रा भी बैठियां, पावी बैठियां गवा भी बैठियां, तू ता तुर गया मैं ता भी बैठियां, ओदे तर ले मैं सारे कर ले रुस भी लई मना भी बैठियां। डारी ला गया मैं परां तो डर वे तेरे मुड़िया मैं डायरी करा, तू किवें छड़िया मैं शायरी करा, बाकी फर्जा बना मैं तरसा लिख भी लिया ते गा भी बैठियां, पावी बैठियां गवा भी बैठियां, तू ता तुर गया मैं ता भी बैठियां, ओदे तर ले मैं सारे कर ले उस भी लई मना भी बैठिया, मानना पड़ेगा बिल्कुल ही अलग तरह का सॉन्ग था। एक तो क्या गाना सैड था इसलिए ब्लैक एंड वाइट, मतलब कि विजन देखिए सैड सॉन्ग था इसलिए ब्लैक एंड वाइट का इफेक्ट रखा उसमें, और दूसरा क्या है मतलब हैं भी वहाँ पे और नहीं भी हैं, जैसे पहला पहला सीन था कर्टन के पीछे करण औजला जी का कुछ दिखाया, मतलब वो फील किया वो फील कर रहे हैं कि यहीं पे हैं, और जो थी मतलब जो भी फीमेल लीड हैं जो में हैं
उनका काम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पूरे गाने को उन्होंने बहुत अच्छे से जस्टिस किया है, एक एक बात को, एक एक लिरिक्स को उन्होंने दिखाया है, मतलब कि तो अपनी एक्सप्रेशन से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और देखना पड़ेगा कौन फीमेल लीड है ये सॉन्ग में, क्योंकि इनका काम काफ़ी अच्छा है, मतलब पूरे गाने को जस्टिस कर रही है, पूरे गाने के एक एक फील को बता रही है। सैड सॉन्ग है क्योंकि कि किस तरह से क्या क्या है वो अपने अपने मतलब कि जो भी उनका फेस एक्सप्रेशन हैं उससे दिखा रही हैं, तो गाना काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो फॉर यू जो उनकी EP आई है करण औजला जी की, इसमें सारे गाने काफ़ी डिफरेंट है, मैंने पहले बताया इसे, और ये गाना तो मतलब बिल्कुल ही अलग तरह का है, सोच भी नहीं सकते थे फॉरेन अपार्ट मतलब ऐसा कुछ गाने में ऐसा कुछ होगा, मतलब कि देखना पड़ेगा और कौन कौन से इसमें हैं जिन्होंने इस गाने में करण औजला जी के साथ में काम किया है, क्योंकि काफ़ी पिक्चराइजेशन काफ़ी अच्छी है। जो पानी का पहला वाला सीन था वो भी काफ़ी एकदम से अच्छा लगा, और जब मैंने देखा कि मैंने सोचा शायद पहला पहला पार्ट ही होगा जो ब्लैक एंड वाइट होगा, या शायद अंधेरा इसलिए, लेकिन पूरा गाना ब्लैक एंड वाइट क्योंकि सैड सॉन्ग था, तो उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें थी, तो मतलब फुल पैकेज था, तो गाना काफ़ी अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था, तो मुझे गाना काफ़ी अच्छा लगा। और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं आपको ज़रूर बताना है, कमेंट करना है, फीडबैक भेजना है, सजेशन भी देने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या तो आप किसी चीज़ सॉन्ग के साथ में, या कोई गाना नया आएगा आया होगा तो उसे लेकर के आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। तब तक के लिए हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।